बदलाव होएगा? अच्छा तो इतना बदलाव बदलाव होएगा, बदलाव तो होगा। मामा ने झूठ बोले बोले कहती कब गई। उम्मीद फिर किससे है? उम्मीद हमको ये लग रहा है कि कांग्रेस बेस्ट रहेगा। घबराइए नहीं, आपकी बिटिया है, ठीक है। बताइए रामधुन सिंह राजपूत। अच्छा, अरे कोई बात नहीं, हमारा यूपी वाली भाषा है, आपका एमपी वाला है, मिला जुला के बहुत बढ़िया निकल रहा है। पंजा 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 बहुत लोग बोल रहे हैं जी। पंजा चल गया। लहर कहाँ चली गई? फूल की अरे वो लहर गई, लहर चली गई जी। लोटा तो देखो जी जी। अरे बड़े खलियार हैं आप, फिर जाएंगे काहे वोट डालने के लिए? छोड़े दीजिए ना वोट जी 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 जी। ओ बीजेपी से जुड़े हैं और बड़े ईमानदार हैं, तो खुद बता दिए कि बीजेपी से जुड़े हैं। अच्छा, आप पार्टी से? नहीं, हम किसी पार्टी से। आम आदमी पार्टी, किसी पार्टी से? चलिए, इधर आम आदमी वर्सेस पार्टी चल रहा है। अपनी बात कहने में का डर है भैया? चलो चलो। नमस्कार, मध्य प्रदेश में किसका पलड़ा भारी है? मध्य प्रदेश में माहौल किसका है? किसका बोरिया बिस्तर बंधने की तैयारी है? मध्य प्रदेश में हवा किसकी चल रही है भैया? और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, ये जानने के लिए हम तो पहुंच गए हैं भिंड। और भिंड में तमाम भैया लोग, दादा लोग हमारे साथ बैठे हैं। ऐसा इंटेलेक्चुअल सर्वे ग्राउंड से आपको कहीं नहीं मिलेगा जो हम आपको दिखाने वाले। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया है। तनिक नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह कुशवाहा है। अच्छा, हम यूपी के, आप एमपी के भाई भाई, मतलब बहन भाई। अच्छा, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है अब की बार मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनेगी, इसमें कोई दोहराए नहीं। कमलनाथ की? बिल्कुल बिल्कुल। अरे ऐसे बोल रहे हैं, मामा सुन के चक्कर खा जाएंगे। वो तो बीएसपी आ गई है थोड़ी सी, नहीं बीएसपी नहीं होती तो अभी तक सारी कहानी खत्म हो जाती मामा की। अच्छा, हाँ। आपको क्या लगता है? मामा जी की कहानी खत्म ही होने वाली है इस बार। शिवराज जी की कहानी खत्म होने वाली है? कल होने वाली है। तो इस बार एंटी इनकंबेंसी दिख रही है? एंटी इनकंबेंसी बीजेपी में है, कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस इस बार, आपको लग रहा है कमलनाथ मजबूत हो गए? बिल्कुल मजबूत हो गए, पहले भी मजबूत थे पर उनको गिरा दिया गया, उनके विधायक छीन लिए गए। अच्छा, इधर का माहौल देखकर एक सवाल पूछेंगे दादा, बीजेपी से नाराज की काहे किया है? बीजेपी से नाराज इसलिए है, बीजेपी की जो नीतियाँ हैं वो जनहित में नहीं है। सबसे खराब नीति बता दो। खराब नीति ये है, ठेकेदारी उनने चलाई, प्राइवेटीकरण किया, डंपर किया, और वो अपने आप ही तक सीमित रहे। कार्यकर्ता मतदाताओं के लिए कोई योजना नहीं है, कुछ नहीं मिला है। शिवराज सिंह चौहान तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं के नाम भी रख दिए। बड़ी बड़ी बातें वो सीमित रही उन्हीं तक। अच्छा। उनके कार्यकर्ता तक और उन तक ही रही, वो जनता तक नहीं, लोगों तक नहीं पहुँची। लोगों तक नहीं पहुँची है, उनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे जुड़े हैं, उनने किया है खाना पीना जो कुछ है, जब नहीं है तो आप गांव में चली जाओ। मतलब बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। नमस्ते भैया। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? गंभीर सिंह गुर्जर मैम। गंभीर सिंह गुर्जर भैया, बहुत गंभीर नाम है आपका। ये गंभीर चुनाव के बारे में क्या कहेंगे दादा भैया? जी बिल्कुल, यहाँ बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है बिल्कुल। इन तीनों ने जो है जो सर्वे किया उसमें आप बिल्कुल उलट बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बीजेपी एकदम क्लियर है, ये मान के चलिए। और बीजेपी ने काफी योजनाएं जो लाई हैं, जैसे लाडली बहन योजना। आप तो युवा है, आप कह रहे हैं कि लाई है, लेकिन भैया दादा तो जो है अनुभव, क्या उम्र होगी भैया? तो हो सकता है कि नए लड़के ने इतना ज्ञान नहीं हो। नहीं नहीं, उम्र तो बताइए। उम्र हमारी 58 साल। बताइए 58 साल की, आप बताइए। जी जी, युवाओं में देखो काफी युवा है जो काफी नौकरी निकाली है, काफी योजनाएं हैं जो बीजेपी सरकार में आई है। इससे पहले देखिए आप, कांग्रेस की सरकार थी तब ऐसी योजनाएं कुछ नहीं थी। अब बीजेपी ने कितना विकास किया है, महंगाओं में देख लो। लेकिन दादा कह रहे हैं लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। नहीं बिल्कुल पहुंच रहा है, सीधे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, जो कांग्रेस सरकार थी तब अकाउंट में पैसे आ रहा है। ऐसा है दीदी, मैं आपसे एक बात कहूंगा। आप 10 बात कहिए। क्योंकि जो विधानसभा यहाँ 5 है भिंड जिले में, हमारे में 5 विधानसभा है। ओबीसी को, जिनको बजे अच्छे हैं, इनको इतना ज्ञात नहीं है, ओबीसी को इतना कहीं महत्व नहीं मिला है जो कि कान्हा को ओबीसी है, और जबकि 1,00,000 वोट जहाँ ओबीसी समाज का है। तो हम कैसे मान लें कांग्रेस को, कान्हा बीजेपी आ जाएगी? पिछड़ेवर्ग को कोई टिकट ही नहीं मिला है, न कांग्रेस ने दिया न बीजेपी। यहाँ का नेता नहीं है क्या? गुर्जर साहब तो बड़े खुश हैं। मंत्री है, कुशवाहा समाज का मंत्री है डॉक्टर राजकुमार, ठीक है, उसको एक टिकट दे देते। वो भी बीजेपी में है ना? हाँ, तो टिकट दे देते ना ओबीसी के समाज हिसाब से। नहीं दिया। नहीं, ये तो नहीं देखो, ये है ना, 28,000 है कुशवाहा, नाराजगी है बिल्कुल है, जिसमें कोई दोहरा 20-22 हजार गुर्जर भी है, टिकट ही नहीं मिला है। जो जिस पार्टी में जुड़ा है तो वो तो उसकी प्रशंसा करेगा कार्यकर्ता है, जो आम आदमी है
उसका मूड नहीं, उसका मूड कांग्रेस बन गया। चलिए आपको क्या लगता है, आप भैया पार्टी से जुड़े हैं, आम आदमी? जी जी बिल्कुल जुड़े हैं, बीजेपी से जुड़े हैं मैं। ओहो बीजेपी से जुड़े हैं, और बड़े ईमानदार है तो खुद बता दिए कि बीजेपी से जुड़े हैं। अच्छा आप पार्टी से? नहीं हम किसी पार्टी से। आम आदमी किसी पार्टी से? चलिए इधर आम आदमी वर्सेस पार्टी चल रहा है, जो आपके हिसाब से आ रही है बीजेपी सरकार आ रही है? चलिए आप बताइए। नमस्ते, पहले तो इधर तनिक यहाँ आ जाइए। अरे बताओ, मैं आ गया, बताओ, पूछो तो बताना पड़ेगा। नमस्ते, क्या हाल लग रहा है भैया? बदलाव होएगा? अच्छा तो नहीं इतना बदलाव होएगा? बदलाव तो होगा, होगा। लोगों तक जो योजनाएं शिवराज चौहान ने बनाई लाई, बड़ा उम्मीद दिखाया, बड़ा वादा किया, पूरा कुछ कर पाए? अभी तक चुनाव हुआ नहीं था शिवराज सिंह का। हाँ। अभी तक कोई योजना आई थी? अब योजना ये आई गई तो का मतलब योजना से बात तो जी। तो इस चुनाव में जनता ठान कर बैठी है? मतलब ठाने के बैठी है जी। चलिए तो और लोगों से नमस्ते। नमस्ते, क्या नमस्ते? मेरा नाम रविंद्र शर्मा है। हमारी अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ये तो बहुत बड़ा प्रदेश है। लगातार 18-20 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है यहाँ। बीजेपी कहती है हमने बहुत काम किया, उससे पहले दिग्विजय राजा की सरकार रही, उन्होंने भी बोला कि हमने बहुत काम किया है। काम कहना अलग चीज होता है, काम दिखना अलग चीज होता है। सीधे बताइए, दिख रहा नहीं मामा की 30 साल सरकार रही, दिख रहा नहीं? दो मिनट लूंगा। मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हूँ। हाँ। भारत के अलावा मैंने 5 से 7 कंट्रियों का विजिट किया। अच्छा। सरकार का जो काम होता है वो काम महगाँव में तो नहीं दिख रहा है। मैं इसी यही महगाँव का मूल निवासी हूँ। हाँ। यहाँ मैं देखता हूँ, जैसे मेरे पिताजी किसान हैं, वो खाद के लिए परेशान है। हाँ। किसी की भी सरकार है रही हूँ, महगाँव में एक अच्छा स्टेडियम नहीं है, महगाँव में एक अच्छा कॉलेजेस नहीं है, महगाँव में कोई भी ऐसे रोजगार के साधन नहीं है कि जहाँ व्यक्ति रोजगार कर सके। भिंड जिले का नाम होता है कि मालनपुर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है भिंड जिले में, लेकिन यहाँ इतने लोग खड़े हैं, सब महगाँव के मूल निवासी हैं। कितने लोग यहाँ से मालनपुर जाके उनको काम मिला? ना के बराबर। तो सरकारें किसी की भी रही हों, शोषण जनता का ही होता है। मेरा तो चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, दोनों से मेरा एक ही पक्ष का कहना होगा, एक न्यूटन वोटर की तरह, कि भाई आप अपना काम दिखाइए, फिर आप बात करिए कि हमने ये किया। तो चलिए, अभी आपने जिनका काम देखा उनको रिजल्ट में क्या देंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार तो आपने देखी ना, तो आपके हिसाब से ग्राउंड पर कुछ दिख रहा है कि नहीं? शिवराज सिंह चौहान से नाराजगी है क्या है? 4% काम दिख रहा है, 6% घोषणाएं दिख रही है। उम्मीद फिर किससे है? उम्मीद हमको ये लग रहा है कि कांग्रेस बेस्ट रहेगा, क्योंकि 18 साल का शासन है, 20 साल का उसके बाद कुछ परिवर्तन लेके आएगी अपने भविष्य के लिए वो। नमस्ते, कैसे हैं आप? घबराई नहीं, आपकी बिटिया हैं। ठीक है, बताइए। तनी रामधुन सिंह राजपूत। अच्छा, अरे कोई बात नहीं, हमारा यूपी वाली भाषा है, आपका एमपी वाला है, मिला जुला के बहुत बढ़िया निकल रहा है। ये बताइएगा कि क्या माहौल दिख रहा है अभी आपको इधर? यहाँ तो बीजेपी की सही है। बीजेपी जीते, बड़ी नाराजगी बीजेपी? नहीं, बीजेपी जीतेगी, और महिला भी खुश है बीजेपी से, किसान भी खुश है यहाँ का। हाँ बीजेपी जीतेगी। पंचल से है क्या? नहीं, आप उत्तर प्रदेश से? लखनऊ। पंजा या फूल? पंजा। पंजा, कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं, एकदम एकदम क्लियर। बताइए बताइए, सही बोल रहे हैं? नहीं, पंजा या फूल, वो तो सही बोल रहे हैं, आपको अपनी बात करनी पड़े। मैं तो नोटा को दूंगा। नोटा को दूंगा? जी जी। अरे बड़े खलियर हैं आप, फिर जाएंगे काहे वोट डालने के लिए? छोड़े दीजिए ना वोट डालना। जी 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 जी, मैं नोटा को दूंगा। अच्छा, नहीं दे रहे हैं? कोई खास कारण? नहीं, कोई कारण नहीं। विकास नहीं किए? नहीं, कोई कारण। झूठ बोले कहती करते है? हाँ, इसीलिए मामा तो कहेगी जो विकास हुआ हमें किया। अरे विकास तो फटो पर रहा हूँ। हाँ। देखो जी, ने फटो पर रहा विकास, कोई कुछ भी नहीं। कैसे हैं आप? नमस्ते। पंजा या फूल, सीधी बात, माहौल किसका है? मोदी जी फूल, कमल फूल। बताइए भैया, पंजा आ गया, आ गया, आ गया, पंजा या फूल, माहौल किसका टाइट है? पंजे का। हाँ जी। पंजे का क्यों, फूल का क्यों नहीं? हम गांव गांव जाते हैं, सब में पानी भरा मिला है। मतलब हाँ, विकास का कोई काम ही नहीं है। हाँ, आप बताइए, पंजा या फूल? आगे आइए, आगे आइए। पंजा। बगल वाले ने बताया क्या? नहीं, बगल वाले क्यों बताएंगे, अपने मन का है। मन का है। अच्छा आप बताइए, पंजा। पंजा क्यों? अच्छा, फूल क्यों नहीं? फूल क्यों बता दो, कुछ विकास नहीं है 20 साल में, क्या सरकार ने विकास किया है? अब नाज फ्री में दे रहे हैं, ना से पेट भरेगा, शिक्षा फ्री कीजिए, हॉस्पिटल का हॉस्पिटल फ्री कीजिए, बीमार लोग मरता है कहा जाता है, बताओ, शिक्षा फ्री करो, मतलब क्या करेंगे? अनाज 5 किलो, एक महीने में 5 किलो अनाज मिल गया, क्या होगा उससे? तो शिवराज जी तो कहते हैं आप सब उनके भांजे हैं। अजी कोई भांजा नहीं। हाँ। और कोई मामा नहीं, हम तो विकास के नाम पे वोट देंगे। मामा के नाम पर नहीं देंगे? नहीं, मामा के नाम पे कोई वोट नहीं मिलेगा। अच्छा।
विकास के नाम पे वोट मिलेगा। नमस्ते भैया, कैसे हैं? सीधा पंजा या फूल, माहौल किसका टाइट है? यहाँ पे पंजा है। पंजा है? ओहो भैया, पंजा या फूल, माहौल किसका टाइट है? पंजा, पंजा। यहाँ माहौल किसका टाइट है, पंजा या फूल? पंजा चल रहा है इस बात तो मैडम, पंजा चल रहा है बिल्कुल। इस बार तो हवा बिल्कुल बदली 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 हवा है बिल्कुल। सरकार ने कुछ नहीं कराया है, सिर्फ बीजेपी के शासन में भ्रष्टाचार हुआ है। पंजे का इस बार माहौल है और पंजे ही इस बार बनेगा। नमस्ते भैया, भिंड जिला की पांचों सीट है। पंजा पंजा पंजा। अरे बाप रे बाप, भिंड जिले की पांचों सीट है, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, क्लियर देख लेना। तो भांजे बताते हैं आप सबको, मेरे भांजे भांजे करते हैं आप लोग। आओ भैया, हम ही लौट आए रहे, घुमाए फिराए गए। चलिए, लोगों से यही जान रहे हैं कि आखिर माहौल किसका टाइट है, पंजा या फूल, यहाँ पर किसकी किससे फाइट है। आपको कोने कोने की खबरें देंगे, कुछ छूटने नहीं पाएगा। कैसे हो भैया, पंजा या फूल? पंजा 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 या फूल? पंजा पंजा पंजा, बहुत लोग बोल रहे हैं जी। पंजा चल गया। लहर कहाँ चली गई फूल की? अरे वो लहर गई, लहर चली गई जी। चलिए, लहर तो चली गई, लेकिन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है वो जानना हमारा कर्तव्य है और हमारी ड्यूटी है। लोगों के दिल में क्या है वो आपको डायरेक्ट बता रहे हैं विदाउट एनी फिल्टर। देखते रहिए कटिंग चाय, आइए मेरे साथ।